अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिछली क्लास में हम लोगों ने आसिफ जाही सल्तनत के आखिरी हुक्मरान मीर उस्मान अली ख़ान के बारे में पढ़े थे। उन्होंने जिस तरह से हैदराबाद रियासत को तरक्की देने के लिए मंसूबे बनाए थे और जो इकदाम किए थे, जिसकी वजह से हैदराबाद रियासत जो है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया की एक अमीर तरीन रियासत में तब्दील हुई थी। तो एक्चुअली हैदराबाद रियासत जो थी वो इंडियन यूनियन में शामिल होने से पहले साउथ जनूबी हिंद की हिंदुस्तान की एक दरमियानी रियासत थी। यहाँ का अपना अलग सा सिक्का था, यहाँ का अपना अलग सा ज़र था। तो मीर उस्मान अली ख़ान ने अपने दौर इख्तदार में हैदराबाद को तरक्की देने के मकसद से तीन मरहले में इन्होंने तरक्की दी थी। पहला मरहला जो था वो पहला मरहला जो 1870 से लेकर 1919 तक का मरहला था। इस मरहले में जो है उस वक्त के मीर उस्मान अली ख़ान के दौर में दीवान की हैसियत से और वज़ीर, जिसको हम वज़ीर आज़म भी कह सकते हैं, वज़ीर आज़म की हैसियत से जो है कि जो जिसने खिदमत की थी वो थे मीर आपके मीर तुराब अली ख़ान। मीर तुराब अली ख़ान जो है 1853 ईस्वी से लेकर 1883 ईस्वी तक इन्होंने हैदराबाद दीवान की हैसियत से हैदराबाद रियासत में अपनी खिदमत अंजाम दी। और चाहे उसको वज़ीर आज़म भी कह सकते हैं, तो वज़ीर आज़म की हैसियत से इन्होंने खिदमत अंजाम दी थी। और इन्होंने बड़े पैमाने पर हैदराबाद रियासत को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए, माशी तौर पर मजबूत करने के लिए मीर तुराब अली ख़ान ने बहुत सारे इकदाम किए थे। तो इन्होंने माशी साख्त को बेहतर बनाने के लिए भी कह सकते हैं, तो यानी कि हैदराबाद रियासत को एक माशी रियासत, तरक्की याफ्ता रियासत, माशी तौर पर मुस्तहकम रियासत और हैदराबाद रियासत की मईशत की साख्त तो बेहतर बनाने के लिए एज़ ए वज़ीर आज़म, एज़ ए दीवान मीर तुराब अली ख़ान ने बहुत सारे इकदाम किए थे। ये हैदराबाद इन्होंने मीर तुराब अली ख़ान ने हैदराबाद में सनतों की इब्तिदा का दौर भी कहा जा सकता है। इन्होंने यानी कि मतलब ये है 1870 से लेकर 1919 तक जो है मीर तुराब अली ख़ान के दौर में ये हैदराबाद में सनतों को भी फ़र्ग दिया था और इसको सनतों का इब्तदाई दौर भी कह सकते हैं। बेक वक्त इन्होंने न सिर्फ सनतों पर तवज्जो दी थी बल्कि ज़िरात में भी इस्लाहात की थी और मालियाती तरक्की और इंतज़ामिया की तरीक़े कार को भी फ़र्ग दिया था, मंसूबा बनाया था। यानी कि न सिर्फ इन्होंने सनतों को तरक्की दी थी, सनतों की पैदा कह सकते हैं, बल्कि ज़िरात पर भी तवज्जो दी थी, ज़िरात के पैदावार को भी तवज्जो दी थी और ज़िरात में भी इन्होंने बहुत सारे इस्लाहात किए थे ताकि इन्होंने अपने इंतज़ाम के ज़रिए से मालियाती तरक्की और इंतज़ामिया की तरीक़े को फ़र्ग दिया था, मंसूबा बनाया था, जिससे हैदराबाद की साख्त बेहतर हुई थी, माशी साख्त बेहतर हुई थी, हैदराबाद की माशी हालत बेहतर हुई थी और समाजी काम में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो इन्होंने तालीम पर भी तवज्जो दी और आपके नज़्म नक़्श पर भी तवज्जो दी। दूसरा मरहला जो रहा है हैदराबाद रियासत को तरक्की देने का, वो मरहला जो है दूसरे मरहले में आसिफ जाही हुकूमत ने सनतों को इदाराती और इमदादी फ्राहम करने के इकदाम किए थे। जब पहले मरहले में सनतों को क़ायम किया था, सनती दौर से जोड़ा जाता है, तो उन सनतों को फ़र्ग देने के लिए मीर उस्मान अली ख़ान ने, आसिफ जाही हुक्मरानों ने इन सनती इदारों को मालियाती फ्राहम करने के लिए इकदाम किए थे और मालिया फ्राहम करने के लिए इन्होंने काम किए थे, उमूर अंजाम दिए थे। माली और टेक्नोलॉजी की मदद से मुकामी सनतों को छोटे और बड़े पैमाने पर फ़र्ग हासिल हुआ है। तो माली मदद जब ये मीर उस्मान अली ख़ान ने अपने दौर इख्तदार में माली इकदाम किए थे, इन छोटे बड़े इदारे, छोटे बड़ी सनतें होंगी या बड़ी सनतें होंगी, उन सनतों को माली मदद करने के लिए इन्होंने एक इदारा क़ायम किया था और इस इदारे के ज़रिए से
उस क्या बोलते हैं उस सनतों उन उन सनतों को जो है मालिया फराहम किया जाता था, उसमें माली भी था और टेक्नोलॉजी भी सहूलत दी जाती थी। टेक्नोलॉजी की मदद से जो है मुकामी सनतों को छोटे और बड़े पैमाने पर फ़ोक हासिल हुआ था और सनती लेबोरेटरी को भी क़ायम किया था 1919 ईस्वी में, सनती लेबोरेटरी, और जिसमें जहाँ पर इस सनती लेबोरेटरीज में जो है रिसर्च का काम होता था। इसके अलावा अलग-अलग एडिट के अलग-अलग जो है कॉमर्स की इंडस्ट्री भी कायम की थी। ये दूसरे मरले का दौर रहा है, यानी कि सनतों को तरक्की देते हुए तिजारत को भी तरक्की दी थी, यानी कॉमर्स को भी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स को भी तरक्की दी थी मीर तुराब अली खान ने, जो बतौर दीवान थे या बतौर वज़ीर आज़म थे। उसके बाद तीसरा मरहला जो है 1939 से लेकर 1948 तक, यानी कि 1948 में हैदराबाद रियासत जो है इंडियन यूनियन में शामिल हो गई थी। तब तक 1939 से लेकर 1949 का जो दौर रहा है वो भी दूसरे जंग अजीम का दौर रहा है। तो सारी दुनिया में मईशत जो है कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन मीर उस्मान अली खान ने इस दौर में भी आला हज़रत जनाब मीर उस्मान अली खान ने सनती पॉलिसी में तब्दीली लाते हुए सनतें कायम करनी शुरू की थी। तो इन सनतों में जो है सिंगरानी कॉलर्स का क़्याम जो है 1921 में आया था। सिंगरानी कॉलर्स का क़्याम जो था ये कोयले की कंपनी है, कोयले खान की कंपनी है, तो इस कंपनी का क़्याम जो है 1921 में अमल में लाया गया था। उसके बाद निज़ाम शुगर फैक्ट्री का क़्याम अमल में आया था। निज़ाम शुगर फैक्ट्री जो है इस वक्त बहुत मशहूर फैक्ट्री थी रही है। निज़ाम शुगर फैक्ट्री का क़याम जो है 1937 ईस्वी में अमल में लाया। अब ये निज़ाम शुगर फैक्ट्री जो है बोधन में क़ायम हुई थी, जो निज़ाम ज़िला निज़ामबाद का एक तालुका है, तो वहाँ क़ायम हुई थी। और उसके बाद आलवेन मेटल वर्क, ये भी एक कंपनी इन्होंने कायम की थी, और ये कंपनी का काम जो है 1942 ईस्वी में अमल में लाया गया था। ये आलवेन मेटल वर्क काम मेटल का वर्क काम किया जाता था आलवेन कंपनी के नाम से, तो ये 1942 में कायम हुई थी। उसके बाद परगा टूल्स भी कह सकते हैं। परगा टूल्स जो है ये भी एक टूल्स से मुराद आप लोगों को तो समझते हैं, टूल्स से मुराद औजार, तो ये परगा टूल्स के नाम से भी कंपनी कायम किए थे मीर उस्मान अली खान ने। ये कंपनी जो है 1947 ईस्वी में क़याम अमल में लाया गया था। उसके बाद दूसरा जो है सिर सिल्क कंपनी भी कायम हुई थी, ये 1946 ईस्वी में कायम हुई थी। उसके बाद हैदराबाद अजबस्तास, ये अजबस्ताज जो है किसे कहते हैं, वो तो आपका पत्थर का चुका पत्थर के सिर का जो पत्थर होता है उसको अजबस्ताज कहा जाता है। तो अजबस्ताज की कंपनी का भी क़याम अमल में लाया गया था 1947 ईस्वी में। और हैदराबाद में चारमीनार सिगरेट फैक्ट्री का भी क़याम अमल, हैदराबाद चारमीनार फैक्ट्री, ये चारमीनार एक दौर में चारमीनार सिगरेट बड़ा मशहूर रहा है। इस चारमीनार फैक्ट्री जो क़ायम हुई थी वो 1925 ईस्वी में क़याम अमल में लाया गया था। 1925 ईस्वी में चारमीनार फैक्ट्री का क़याम अमल में लाया गया था। उसके बाद वज़ीर सुल्तान तंबाकू कंपनी के नाम से भी एक और एक तंबाकू कंपनी कायम हुई थी, तंबाकू यानी कि जर्दे कंपनी वज़ीर सुल्तान के नाम से ये कंपनी कायम हुई थी। ये जो कंपनी कायम हुई थी 1930 में कौन सी कंपनी कायम हुई थी, चारमीनार सिगरेट कंपनी कायम हुई थी। और वज़ीर सुल्तान जो कंपनी है वो कंपनी जो है 1930 ईस्वी में कायम हुई थी। उसके बाद कारखाना जिंदा तिलिस्मार, ये भी बड़ा अहम है, आज भी का जिंदा तिलिस्मार का डिमांड है, आज भी जिंदा तिलिस्मार का जो है बड़ा है, हमारा घर घर की ज़रूरत मानी जाती है। तो कारखाना जिंदा तिलिस्मार का क़याम जो है 1920 ईस्वी में इस कारखाने का क़याम अमल में लाया गया था। उसके साथ आज़म जाही मिल्स वरंगल, ये वरंगल में कायम हुई थी आज़म जाही मिल्स जो है 1934 ईस्वी में कायम हुई थी। उसके बाद दक्कन फिजाइया लिमिटेड, यानी फिजाइया एयरक्राफ्ट एयरप्लेन और आपके एयरपोर्ट वगैरह का जो क़याम अमल में आया था 1945 ईस्वी में ये क़याम अमल में लाया गया था। ये सनतें कायम करने का मकसद ये रहा है कि हैदराबाद की मईशियत को तरक्की दे, हैदराबाद को सनती रियासत बनाए, हैदराबाद के कामर्स को तरक्की दे, इस बुनियाद को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए ये सनत कायम से एक तो रियासत की माशी हालत बेहतर होती है और दूसरा यह है जो है यहाँ के शहरियों को रोज़गार फराहम होते हैं। इसी मकसद के तहत इन्होंने ये कंपनियाँ कायम की थी। तो इसके अलावा जो है संगरेनी कॉल्स जो है ये खम्मम के ज़िले में सबसे पहले कोयले के कानों का पता चला था।
ये खम्मम जो है तेलंगाना में आता है, खम्मम ज़िला। इस ज़िले में एक गांव है, गांव का नाम है सिंगारैनी, सिंगारैनी, सिंगारैनी गांव का नाम है। उस गांव में जो है सबसे पहले कोयले खानों का पता चला था। कोयला जो साँचा कोयला जो होता है, लकड़ी जला कोयला नहीं बल्कि साँचा कोयला जो होता है, उस कोयले का खान का पता चला था। तो इसलिए इस कारखाने को, इस कंपनी को सिंगारैनी के नाम से ही जाना जाने लगा है। आज भी ये कंपनी चलती है, कोयला निकालती है और यहाँ से कोयला निकाला जाता है और सिंगारैनी के नाम से ही पुकारा जाता है। हैदराबाद दक्कन मदनी मदनी कंपनी लंदन की तजारती फार्म सिंगारैनी से कोयला निकालने लगी, यानी कि इसका हैदराबाद दक्कन मदनी कंपनी जो है लंदन की तजारती फार्म के ज़रिए से मिलकर जो है सिंगारैनी के इलाके से, सिंगारैनी जो खम्मम में है, तो कोयला निकालना शुरू किए थे। कंपनी का इंतज़ाम जो था सरकार के कंट्रोल में था। ये बात वाजह हो जाती है कि कंपनी सरकार की तरफ से कायम की गई थी और कंपनी का इंतज़ाम जो था, मैनेजमेंट जो था, वो सरकार करती थी। सरकार से मुराद हुक्मरान करती थी, आसिफ जाही सल्तनत के जो नवनस्त थे वो लोग करते थे। और बाद में एक नई कंपनी सिंगारैनी कलर्स कंपनी SCC हुकूमत के इमदाद से कोयले के कानों का जुम्मेली और दूसरी कानें सस्ती और पूही में खुली गई है। तो इस तरह से पहले कंपनी की जिम्मेदारी जो है सरकार लेती थी, उसके बाद कंपनी सिंगारैनी कालर्स की जो कंपनी है जो बाद में वो कोयले कानों की जिम्मेदारी ले ली थी। उसका निज़ाम शुगर फैक्ट्री के बारे में आपको बताया था कि निज़ाम शुगर फैक्ट्री का काम जो है एक्चुअली आपके कब बोला था मैं, निज़ाम शुगर फैक्ट्री का काम 1937 ईस्वी में शायद बताया था मैं आप लोगों को। निज़ाम शुगर फैक्ट्री कहाँ है कि निज़ाम शुगर फैक्ट्री 1937 में निज़ाम शुगर फैक्ट्री का अमल में आता। तो निज़ाम शुगर फैक्ट्री उस वक्त की जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री थी शक्कर तैयार करने की। इस फैक्ट्री में जो है सारे एशिया की दूसरे नंबर पर थी, दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री थी शक्कर तैयार करती थी, जिसकी तैयार करता शक्कर जो है मुल्क के तमाम हिस्सों में रेल के ज़रिए से पहुंचाई जाती थी। यानी कि यहाँ से हिंदुस्तान की जितनी रियासतें हैं उन रियासतों में, जितने इलाके हैं उन इलाकों में इस निज़ाम शुगर की फैक्ट्री की शक्कर पहुँचाई जाती थी रेल के ज़रिए से। यही क्योंकि वहाँ पर निज़ामबाद में फैक्ट्री बनने के बाद जो है रेलवे लाइन्स भी बिछाई गई थी, तो रेल के ज़रिए से हिंदुस्तान के सारे इलाकों में इस फैक्ट्री की शुगर भेजी जाती थी। और एक बहुत ही बड़े रकबे पर फैली हुई है ये जो कंपनी है, बहुत बड़े रकबे पर फैली हुई है ये फैक्ट्री, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन काम करते थे और लोगों को रोज़गार फराहम होते थे। अब ये फैक्ट्री अभी भी है लेकिन अब बंद है, ये फैक्ट्री बोधन में है और तेलंगाना ज़िला निज़ामबाद के शान हुआ करती थी। ये निज़ाम ज़िले के बोधन में वाक़ है, पता है ना कि ये एक दौर में निज़ाम शुगर फैक्ट्री जो है तेलंगाना की शान कहलाती थी। ये ज़िला निज़ामबाद में बोधन तालुका बोधन में ये फैक्ट्री है, आज भी ये फैक्ट्री है लेकिन बंद है, क्योंकि बाद की हुकूमतों ने उसे बंद कर दिया था और उसे बेचने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ वो एजिटेशन भी चला था, वो अलग सी बात है, लेकिन ये कंपनियां कायम हुई थी। आलवेंट मेटल का काम जो है जनवरी 1924 ईस्वी में अमल में आया था। तो आलमडल नाम से शुरू हुआ था ये 1924 ईस्वी में। ये मुश्तरीका तौर पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ट्रस्ट ऑफ निज़ाम हैदराबाद की हुकूमत और अलादीन्स कंपनी ने मिलकर शुरू किया था। आलवेंट कंपनी मेटल वर्क कंपनी जो है 1924 ईस्वी में मुश्तरीका तौर पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ट्रस्ट ऑफ निज़ाम हैदराबाद ये इदारा जो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ट्रस्ट ऑफ, जो यही इदारा जो है सनतों को मालिया फराहम करता था, चाहे छोटी सनतें होंगे चाहे बड़ी सनतें होंगे, ये इदारे से मालिया फराहम होते, ये मालिया फराहम होने की वजह से वो इदारों को मदद मिलती थी, माली मदद मिलती थी। तो ये इदारा और अलादीन कंपनी बोल के ये कंपनी दोनों मिलकर ये आलवेंट मेटल वर्क कंपनी शुरू की थी। उसके बाद आइए चारमीनार सिगरेट फैक्ट्री और वज़ीर सुल्तान तंबाकू कंपनी,
ये जो है वज़ीर सुल्तान तंबाकू फैक्ट्री को मरहूम जो है वज़ीर सुल्तान ने 1916 ईस्वी में विठलवाड़ी में शुरू किया था। विठलवाड़ी एक इलाका है, इस इलाके में शुरू किया था। इसको शुरू करने वाले जो थे वज़ीर सुल्तान, जो 1916 ईस्वी में इन्होंने ये फैक्ट्री शुरू की थी, वज़ीर सुल्तान तंबाकू फैक्ट्री तंबाकू कंपनी शुरू की थी। बाद में मोक्षा कुंडम विशु यशवरा के मशवरे पर विठलवाड़ी की जगह को मौजूदा हैदराबाद 1930 ईस्वी में VST मुंतकिल किया गया, जो मुशीराबाद और आज़माबाद का इलाका हैदराबाद शहर में है। तो ये जो है बाद में ये एक्चुअली क़ायम हुई थी विठलवाड़ी में, लेकिन बाद में मोक्षा कुंडम विशु यशवरा के मशवरे पर ये एक निज़ाम हुकूमत में उनकी हुकुमरान में ये एक मुलाजिम था। तो मोक्षा कुंडम विशु ईश्वरा इसने मशवरा दिया था कि वज़ीर सुल्तान कंपनी जो है विठलवाड़ी से मुंतकिल करके मौजूदा हैदराबाद में, जहां मुशीराबाद और आज़माबाद का इलाका है, ये दो इलाके अभी भी मुशीराबाद है, आज़माबाद आज भी हुआ शायद, मुशीराबाद तो है, मुशीराबाद में ये कंपनी को मुंतकिल किया गया था 1930 ईस्वी में, कायम हुई थी 1916 ईस्वी में, लेकिन बाद में विठलवाड़ी से हैदराबाद रियासत मुशीराबाद में मुंतकिल किए गए 1930 ईस्वी में। कंपनी सिगरेटों की चरमास, चारमीनार और गोलकुंडा मूवमेंट के नाम से भी बनाती थी कंपनी जो है, ये चारमीनार के नाम से सिगरेट बनाती थी और गोल्ड मूवमेंट के नाम से सिगरेट बनाती थी और चरमास के नाम से सिगरेट बनाती थी। ये अलग अलग नामों से ये कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट निकालती थी, अपने सिगरेट निकालती थी, और इसके अलावा जो है ये नाम से बनाती और तकसीम भी करती थी। 1930 में मोक्षा कुंडम विशु शूरिया के मशवरे पर मुशीराबाद आज़माबाद का 200 एकड़ का इलाका जो है सनतों के लिए मुख्तस कर दिया गया था। तो 1930 में मोक्षा कुंडम विशु यशवरा के मशवरे से जो है मुशीराबाद का जो इलाका है 200 एकड़ का, वो इलाका जो है इंडस्ट्रियल के लिए मुख्तस कर दिया गया था। इस इलाके में सिर्फ कंपनियां कायम होंगी, आबादियां कायम नहीं होंगी। इस तरह से ये कंपनियों का अमल में लाना शुरू हुआ था। निज़ाम की सनदों को चलाने के लिए आरजियात बिजली पानी की सनदों भी रियायत दी थी, यानी कि निज़ाम जो है इन सनदों को तो चलाने के लिए आरजियात जो ज़मीन है कम कीमत पर और सहूलत के ज़रिए से उन कंपनियों को ज़मीन दी जाती थी, और इसके अलावा बिजली वगैरह की भी रियायत दी जाती थी, यानी कि करंट वगैरह भी इनको कम कीमत पर दिया जाता था, ताकि कंपनियाँ बआसानी से चल सके और उस ट्रस्ट के ज़रिए से जिसका नाम बताया था मैं आप लोगों को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ट्रस्ट ऑफ निज़ाम, इस इदारे से भी मालिया फराम किया था और कंपनियों को था आपकी क्या बोलते ज़मीनात भी दी जाती थी, और इसके अलावा कंपनी को जो है बिजली की सहूलत भी दी जाती थी, ताकि कंपनियां बआसानी रन हो सके, बआसानी चल सके। तो इससे लोगों को रोज़गार फराम होता था और हैदराबाद रियासत की माशी हालत भी बेहतरी आती थी। उसके बाद कारखाना जिंदे तिल इस्मात का जो है 1920 में इसका क़याम अमल में आया था। तो कारखाना जिंदे तिल इस्मात जो है मशहूर जिंदे तिल इस्मात फारूकी मंजन और जिंदा बाम तैयार होता था। कारखाना जिंदा तिल इस्मात में जो है जिंदा तिल इस्मात की आप लोग देखे होंगे शीशी होती है, और फारूकी मंजन जो दांत मांजने का फारूकी मंजन होता है कोयले के टब में, उसको मंजन की तैयारी होती थी और बाम की तैयारी होती है। ये इस तरह से ये कंपनी जो है काम करती। ये रियासत हैदराबाद में 1920 ईस्वी में मशहूर हकीम मरहूम मोहम्मद मोइनुद्दीन फारूकी ने मुतारफ़ करवाया था, यानी कि 1920 ईस्वी में जिंदा तिल इस्मात के कारखाने को हकीम मशहूर उस दौर के मशहूर हकीम जिनका नाम था मोहम्मद मोइनुद्दीन फारूकी इन्होंने ये कंपनी कायम की थी। इस तरह से ये कंपनियों का ख़याम अमल में लाना शुरू हुआ था। उसका दक्कन फिजाइया लिमिटेड ये तजारती एयरलाइंस हैदराबाद में निज़ाम सरकार और टाटा एयरलाइन की मुश्तरका इमदाद से कायम हुआ था, यानी कि ये तजारती एयरलाइंस थी जो दक्कन फिजाइया लिमिटेड के नाम से ख़याम अमल में लाया गया था। इसमें जो है निज़ाम सरकार का भी हिस्सेदारी थी और टाटा एयरलाइन की भी मुश्तरका हिस्सेदारी, तो ये इन दोनों ने मिलकर दक्कन फिजाइया लिमिटेड कायम किया था। उसने 3 जहाज़ों का बीड़ा उठाया। बाद में 1953 ईस्वी में जो है वो इंडियन एयरलाइंस में जम हो गई है,
तो ये दक्कन फिजाया लिमिटेड क़ायम हुआ था। उसके बाद जो है तीन जहाज़ इनके पास थे, लेकिन 1953 ईस्वी में इस दक्कन फिजाया लिमिटेड को जो है इंडियन एयरलाइंस में शामिल कर लिया गया, जम कर लिया गया है। 1948 ईस्वी में आला हज़रत मीर उस्मान अली ख़ान ने अपना ज़ाती बैंक क़ायम किया, हैदराबाद स्टेट बैंक, यानी कि मीर उस्मान अली ख़ान ने अपने तौर पर एक ज़ाती बैंक कायम किए थे जिसका नाम रखा था हैदराबाद स्टेट बैंक, जो सेंट्रल बैंक कहलाता है, जो सेंट्रल बैंक कहलाता था हैदराबाद स्टेट बैंक नाम से इन्होंने अपना खुद का एक बैंक कायम किए थे। और इस बैंक से जो है तजारती कामर्सी कामर्स तजारती और कामर्सी इदारे चलाए जाते थे, और ये बैंक उनके लिए काम करता था। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के नाम से एक बैंक कायम हुआ था। उसके अलावा जो उस्मानिया सिक्का चलता था, जो हैदराबाद स्टेट की करेंसी थी, उस्मानिया के नाम से सिक्का चलाया जाता था, जो हैदराबाद की करेंसी कहलाती थी, क्योंकि हैदराबाद की करेंसी जब उस वक्त अलग थी, इंडिया की करेंसी अलग थी, क्योंकि इंडिया भी मुत्तहिद नहीं हुआ था। इंडिया सब रियासतें इंडियन यूनियन में शामिल हो गई थी, लेकिन ये हैदराबाद रियासत शामिल नहीं थी। इनका अपना अलग सा सिक्का था जिसको उस्मानिया सिक्के के नाम से जाना जाता था, जो हैदराबाद स्टेट करेंसी कहलाती थी। ये पहली रियासत थी जिसको अलहदा करेंसी थी सारे हिंदुस्तान में। सारे हिंदुस्तान में जदोजहद आज़ादी के दौरान ये रियासतें मुंजमी हो गई थी, यूएनओ में जम हो गई थी यूएनओ में, लेकिन हैदराबाद अलहदा रियासत थी। इनका अपना सिक्का चलता उस्मानिया सिक्का। ये पहली रियासत थी सारे हिंदुस्तान में जो अपनी एक अलहदा करेंसी रखती थी, एक अलहदा करेंसी, इनकी अपनी करेंसी यानी कि अपना जर, अपना पैसा था सारे हिंदुस्तान में। हैदराबाद का रुपया हिंदुस्तान के रुपयों से अलग था, यानी कि हैदराबाद का जो रुपया था, हैदराबाद का जो सिक्का था, वो हिंदुस्तानी सिक्कों से बिल्कुल अलग था। ये अलग ही रियासत थी, अलग ही मुल्क था 1948 से पहले पहले तक। 1948 के बाद ये इंडिया में शामिल हो गया था। तो एक तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद चलाते थे, वो इनका अपना सिक्का था, और ये इंडिया के सिक्के से बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल इनके अलग शनाख्त थी यहाँ के सिक्के की। बरतानवी हिंदुस्तान में हैदराबादी ही ऐसी रियासत थी जहाँ के हुक्मरानों को अपनी करेंसी जारी रखने का हक़ था, यानी कि बरतानवी दौर, क्योंकि बरतानवी दौर रहा है आपके 1857 से लेकर 1947 तक जो रहा है दौर, वो हिंदुस्तान में बरतानवी दौर रहा है। इस दौर में बरतानवी दौर इकदार में हैदराबाद एक वाहिद ऐसी रियासत थी जिसका अपना अपनी करेंसी थी, जिसकी अपनी करेंसी जारी करने का हक इसको हासिल था। बाकी दूसरी रियासतों को जो है बरतानिया हुकूमत के सिक्के को ही मानना पड़ता था, लेकिन ये पहली वाहिद रियासत थी जो बरतानिया दौर इकदार में भी अपने सिक्के की अलग पहचान रखती थी, और इस अपने इनका अपना सिक्का निकालने का भी हक इन्हें दिया जाएगा। 100 रुपये की नोट जो है 1918 ईस्वी में जारी की गई थी, 100 रुपये का जो नोट थी वो 1918 ईस्वी में जारी हुई थी। इस तरह से निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह मीर उस्मान खान ने हैदराबाद रियासत को फ़र्ग देना चाहा था। इसके अलावा सारा जंग अवल के वज़ीर आज़म के दौर में जो है जदीद और मगरबी तालीम निज़ाम शुरू हुआ था। तो ये सारा जंग अवल यानी कि मीर तुराब अली ख़ान, सारा जंग अवल से मुराद मीर तुराब अली ख़ान के दौर में ही जो वज़ीर आज़म के हिसाब से मीर उस्मान अली ख़ान ये आसिफ जाही गोंद में खिदमत अंजाम दे रहे थे दीवान के हिसाब से, तो इन्हीं के दौर में जदीद और मगरबी तालीम निज़ाम शुरू हुआ था। जदीद यानी कि साइंसी उलूम, मगरबी तालीम यानी अंग्रेज़ी उलूम का निज़ाम शुरू हुआ था। रियासत में तालीम को फैलाने में क्रिश्चियन मिशनरियाँ और खानगी बेशर नवासों यानी कि हैदराबाद रियासत में जो है जदीद तालीम को और मगरबी तालीम को फ़र्ग देने में जो है फैलाने में क्रिश्चियन मिशनरियाँ और खानगी स्कूल्स खानगी नवासों के अहम किरदार यानी खानगी इदारों के अहम किरदार रहे हैं। इन्होंने हिंदुस्तान हैदराबाद रियासत में जदीद तालीम को फ़र्ग देने में बड़ा अहम क्रिश्चियन मिशनरी उन्होंने मुल्क के दूसरे इलाकों में तालीम को जिस तरह मुअत्तर किया, इसी तरह रियासत हैदराबाद में भी मगरबी तालीम की शुरुआत और उसे पहुँचाने में अहम हिस्सा अदा किया था। जिस तरह से जदोजहद आज़ादी के दौरान क्रिश्चियन मिशनरियों ने सारे हिंदुस्तान में तालीमी निज़ाम तालीमी जाल बिछा दिया था और तालीम को फ़र्ग दे रहे थे, उसी तरह से जो है ये लोग क्रिश्चियन मिशनरियों हैदराबाद रियासत में भी अपने तालीमी निज़ाम को फैलाना शुरू किया था, अपने तालीमी इदारे कायम करना शुरू कर दिया थे। इस तरह से हैदराबाद रियासत में जो है क्रिश्चियन मिशनरियों ने जदीद तालीम और मगरबी तालीम को फ़र्ग देने में अहम किरदार अदा किया था। पहला अंग्रेज़ी ग्रामर स्कूल जो है शहर हैदराबाद का और 1834 ईस्वी में सेंट ग्रामर स्कूल
इंग्लैंड के चर्च पादरी के हाथों शुरू किया गया था। यानी कि जदीद तालीम को, अंग्रेजी तालीम को फ़र्व देने के लिए 1834 में जो है हैदराबाद शहर में एक स्कूल क़ायम किया था, अंग्रेज़ी स्कूल क़ायम किया था, जिसका नाम था ग्रामर स्कूल। ग्रामर स्कूल के नाम से ये स्कूल क़ायम किया, जहाँ पर अंग्रेज़ी तालीम दी जाती थी। और इस सेंट ग्रामर स्कूल जो है इंग्लैंड के चर्च के पादरी के हाथों शुरू हुआ था। ये ग्रामर स्कूल जो हैदराबाद में तालीम को फ़रोग देने के लिए शुरू किया गया था। 1854 में मुदब्बिर सियासतदान सालार जंग ने दारुल उलूम और ओरिएंटल कॉलेज के शहर हैदराबाद में क़ायम किया था। इस तरह से ये लोग जो है हैदराबाद रियासत में जो है तालीम को फ़रोग देने के लिए भी बहुत सारे इकदाम किए थे। ये सारे इकदाम जो है हैदराबाद रियासत को मुत्तहिद करने के लिए, हैदराबाद रियासत को माशी तौर पर तरक्की देने के लिए, हैदराबाद रियासत को जदीद दौर से जोड़ने के लिए, हैदराबाद रियासत को जदीद रियासत बनाने के लिए मीर तुराब अली ख़ान ऐसे दीवान की हैसियत से खिदमत सालार जंग हॉल भी कहा जाता है। ऐसे दीवान की हैसियत से, वज़ीर आज़म की हैसियत से मीर उस्मान अली ख़ान के दौर में इन्होंने बड़े अहम इकदाम किए थे। इस तरह से हैदराबाद रियासत को फ़रोग देना शुरू हुआ था। तो इंशाल्लाह आज की क्लास यहीं है। कल की क्लास में उस्मान सिटी के बारे में किस तरह से इसका अमल में आया था और ये उस्मान सिटी के ज़रिए से तालीम को किस तरह से फ़रोग दिया था, कल की क्लास में बात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।